जी जनाब। सो लेट लेट वी हैव अ स्टार्ट प्लीज। जी, स्पैनिंग ट्री। ट्री का सबको मालूम है जी कि ट्री क्या होता है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको जो है मैं डिफाइन करूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्पैनिंग ट्री होता है, सबसे पहली बात ये है, पहले मैं अपने अल्फाज में इसको डिफाइन कर दूँ, फिर आप हम इसको कोड कर लेंगे। लाइक आपने ट्री बनाया है ना, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी मे बी आपने इसको रीड किया हो, तो उसमें जो है ट्री को ही मैं कोड करूंगा। आपके पास एक कंप्लीट ट्री है, वो कम्बिनेशन होता है वर्टिसेस एंड एजेस का, ठीक है। हमने क्या करना है कि उस में से हमने ट्रीज ड्रॉ करने हैं डिफरेंट, उन्हीं के वर्टिसेस और एजेस का सहारा लेते हुए, उन्हीं में से हमने अपने जो है एजेस और वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट तरीके से हमने ड्रॉ कर देना है। क्यों डिफरेंट तरीके से हमने उसको ड्रॉ करना है और मल्टीपल एजेस और वर्टिसेस का इस्तेमाल उससे निकालने क्यों है, रीज़न ये है हमने चेक करना है कि क्योंकि हमें हर वर्टिस और एजेस नॉर्मली तो ये होता है जो हमारे एजेस के अगेंस्ट हमें वेट वेट जो है ना दी होती है, वेट दी होता है, हर एज के अगेंस्ट वेट दिया होता है, हमारे पास डिफरेंट वेट्स आ जाएंगे जब हम आवाज ड्रॉप हो रही है उस सर। सर आवाज ड्रॉप हो रही है थोड़ी सी। आवाज ड्रॉप हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, मैं वैसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हाँ, अब मे भी शायद अभी थोड़ी सी क्लियर हो आपको मैंने जी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रीज में से ड्रॉ करने हैं, ठीक है, उनके वेट लेके मल्टीपल हम जब ट्रीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हमें मालूम होगा कि जो हम ट्रीज ड्रॉ कर रहे हैं इनमें से हमारे लिए कौन सा सूटेबल ट्री है वेट के लिहाज से, किसकी सबसे ज्यादा कम कैलकुलेशन में सम जो उसका वेटेड सम आ रहा है, ठीक है, हमें इसका आइडिया होगा, हमने यहाँ से लेना है। स्पैनिंग ट्री को मैं इसलिए भी यहाँ से कंटिन्यू करने लगा हूँ। लेट से हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें चलें वी या जी से जिससे मर्जी शो कर लें उसको, उसमें एन वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस और एजेस का आपको पता है, और स्पैनिंग ट्री क्या होगा उसमें से कि एन माइनस वन एजेस, जितने भी आपको टोटल एजेस हैं उसमें से एक कम, ठीक है, विच कनेक्ट्स और जो आपके तमाम वर्टिसेस को जो मिलाती है, जितने आपके टोटल वर्टिसेस में हमारे शामिल हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स लेट आ रहे हैं तो गुजारिश है कि प्लीज आ जाए करें टाइम पर, तो हमारा डिसाइडेड टाइम था, थोड़ा सा हम लेट हो गए, चले कोई बात नहीं। तो इट मींस कि हम ग्राफ में से सब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना हमारे पास कुछ ऐसी चीजें, हम आप सब ट्री बना रहे हैं, ग्राफ से हम या ट्री में से सब ट्री निकाल रहे हैं, इसे हम ही कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते अनोखी चीज है, कोई यूनिक चीज है स्पैनिंग ट्री, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ यार मैंने सारी एजेस इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने कहता हूँ मैंने दो कम एजेस इस्तेमाल करनी है या एक एजेस एक को छोड़ देना है, नॉर्मली ये होता है, मैंने स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, जरा देखिएगा इस फिगर को, आप थोड़ा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा जी। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें 16 वर्टिसेस और 35 एजेस हैं, लेट से, ठीक है, ये काउंट कर सकते हैं आप। भाई अनम्यूट करके बेशक मुझे बता दें फीडबैक कि इसमें कितनी एजेस हैं, वाकई 35 एजेस हैं। और 16 वर्टिसेस हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, जी सर, सर, जी जी सर सर, है, और जी सर है, थर्टी जी फाइव जी सर है, जी अब सर है जी सर, सर है सर, इसमें से जो सारे 15 हैं एजेज जी हैं, सर, जी ये सर, देखें, सारे कह हैं रहे हैं कि ये मिनिमम जी सर स्पैनिंग ट्री वो। बनाती हैं। अच्छा अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्यों बताया, मैं आगे चल के बताता हूँ मैं आपको इसको क्यों हाईलाइट किया। और ये 15 एजेस उसने कुछ उसने रेड लाइंस की हैं, इसमें से सारी नहीं है अगर आप गौर करें, 15 एजेस और 15 बेहतर जी सर। इस तरह उसने देखे ना, मुख्तलिफ डिफरेंट उसने लिए हैं, जरा देखिएगा रेड पे जरा गौर कीजिएगा, सारी नहीं लिए भी मैं बताता हूँ आपको रीजन इसका आगे चल के। बेहतर देखें मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो चीज है, दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, ये इसको मैं इस फिगर, ये सारी फिगर को, ये जो है हमारी इस टोटल फिगर को मैंने एक ट्री की शक्ल देनी है। मैं अपनी से अच्छा इसमें से कुछ वर्टिसेस और एजेस निकालता हूँ, इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें एजेस आपके ट्री बनाएंगे, बिकॉज हम जहां वर्टेक्स को हम क्या एक रूट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे,
सबसे पहले, ठीक है. We form a tree by treating the adjacent vertices as children. एक आपका रूट बन जाएगा जो वर्टेक्स होगा और बाकी रिमेनिंग हम चिल्ड्रन बनाते जाएंगे और हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे. क्यों डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोबारा मैं बयान कर रहा हूँ. जब हमारे पास वेट दिया होगा, तब हमारे पास वेटेड ग्राफ होते हैं और अनवेटेड. आपने स्टडी की हुई है वहाँ से आपकी वॉइस से बिल्कुल लो. दोबारा यही कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास लेट से ग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक है. हमने इसको ट्री की शक्ल देनी है, ठीक है. ट्री बनाना है हमने, वर्टेक्स को एक वर्टेक्स को उठाना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी रूट बन जाएगी, ठीक है. बाकी हमारे जो वर्टेसेस होंगे उनको हम चिल्ड्रन बना लेंगे एंड सो ऑन. ऐसा क्यों करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं ना, वेटेड ग्राफ्स होते हैं, ठीक है. अगर ग्राफ वेटेड और अनवेटेड ग्राफ का पता है पहले मुझे ये बताएं. नहीं सर, वो जरा बता दें. वेटेड ग्राफ ये होता है जिसमें आपको वेट दिया हो हर एज का, नॉर्मली एज पे वेट दिया होता है नंबरिंग. इस तरह मैं कहता हूँ ना, किसी मैंने लेट से मैं कहता हूँ जी वन से टू पे मैंने जाना है, ये देखिए ये वन से टू पे मैंने जाना है, तो ₹5 का खर्चा आ रहा है या 5 लीटर पेट्रोल लग रहा है, ठीक है, या 5 रुपीज मेरे स्पेंड हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंस है, ठीक है. ठीक है, वेट दिया हो तो हमारा वेटेड ग्राफ हो जाएगा. अब बाकी समझ आइए थोड़ी थोड़ी सर. जी सर, वेट दिया हुआ ना यार, इसमें कौन सी मुश्किल बात है. जी सर, ऊपर वेट नहीं है और इसमें वेट है सर. काइंडली ये माइक तो ऑफ करवाएं सभी स्टूडेंट्स के. यार आप थोड़ी सी आवाज हल्की कर लो अपने माइक की पहले. ये लें, थैंक यू. ये लें जी, मैंने सबसे इसलिए ये लें जी, सबसे मैंने म्यूट कर दिया. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब क्या हुई यार, मतलब ये लें जी, मैंने भी सब म्यूट कर दिए. तो ये जो पहले कह रहे हैं पहले इसको ऑफ करें. अच्छा जी, ये वेटेड है हमारे पास वेट, ये वेटेड ग्राफ, इसका हम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं. मैंने जो देखें जो ट्री बनाया ना मैंने, लेट से सपोज मैंने चार को मैंने एक जो बना लिया रूट बना लिया, ठीक है. बाकी आप देखो मेरे पास जो नीचे चाइल्ड आ रहे हैं, थ्री ले रहा हूँ, सेवन ले रहा हूँ, फाइव ले रहा हूँ. अब उस थ्री का जो कॉरेस्पॉन्डिंग चाइल्ड मैं सिक्स ले रहा हूँ जो उसके साथ अटैच है, ठीक है. और इसके साथ जो मैं फाइव के साथ जो अटैच नोट्स हैं वो टू और वन ले रहा हूँ. सेवन के साथ मैंने कोई अटैच नहीं कराई, ये मेरी मर्जी है. अब ये कोई नेसेसरी नहीं कि जो ये बना हुआ है ना ये एज इट इज बनेगा, नहीं. आप स्पैनिंग ट्री अपनी मर्जी का बना सकते हैं. मैंने फोर को लिया, आप छः को रूट ले सकते हो, टू को रूट ले सकते हो, फाइव को रूट ले सकते हो, वन को रूट ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है. कहने का मकसद ये है कि ये हमने डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इसलिए बनाना है, हमें चेक करना है कि हम ये जब वेट लगा लेंगे तो इन स्पैनिंग ट्री में सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी कम आ रही है जो हमें वेट दिए हैं. इसका फ़ायदा क्या होगा, हम देख सकेंगे कि हमें मिनिमम स्पैनिंग, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हमारे सामने आ जाएगा डिफरेंट स्पैनिंग ट्री के कॉम्बिनेशन बनाने से. अभी मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ जस्ट फीडबैक लेने के लिए, फिर मैं आपको म्यूट कर देता हूँ. ये मुझे बताना है आपने. जी आप समझ में आ गई बात आपको. जी सर, सर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपने सर फोर को ही क्यों लिया, थ्री को क्यों लिया या टू को क्यों लिया. मैं अभी बता चुका हूँ, मैंने एग्जांपल सिर्फ कोट की है. आप थ्री को ले लेना, चाहे आपका दिल करे आप सेवन को ले लेना, आपका दिल करे आप टू को ले लेना, आपका दिल करे आप वन को ले लेना, अपनी मर्जी से आप जनरेट करना है. सेकंड वाले में सर आपने फोर का जो सा है सर वो उसका टू को भी सर वो चाइल्ड रूट बन सकता है, तो उसने टू को क्यों नहीं लिया यहाँ पे. इसकी बात कर रहे हो आप, सेकंड दरमियान वाले वेटेड ग्राफ की बात कर रहे हो या स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हो. दरमियान वाले वेटेड की. हाँ दरमियान नहीं, डेड लाइन होती है, आप दिया गया है दरमियान में, कुछ दिया गया
डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है. मैंने कोट किया इसलिए मैंने कहा, मैंने बताया कि मैं चार को लेने लगा हूं रूट. मैंने आपको दोबारा कोट कर रहा हूं, आप किसी को भी रूट बना सकते हो. आप दो को बना लो, तीन बना लो, चाहे छह को बना लो, चाहे सात को बना लो. चेक हम तो बंद करवाएंगे. आवाज नहीं आ रही सर, ये आवाज पीछे से गाने चला रहा है, पता नहीं आ रही दोबारा आ दे आल को. अब फिर सर जी जो हम डिफरेंट स्पिनिंग ट्रीज बना रहे हैं तो इसमें से बेस्ट हमारी ये कौन सा होगा जो डिफरेंट बना रहे हैं. यही चेक करना है कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कौन सा है. बात की समझ आ गई? शाबाश. ठीक है, ओके सर जी. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये डिफरेंट है ना, विच स्पैनिंग ट्री. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो ना मिनिमाइज हो रहा है, हमने मिनिमाइज होता है हमारी अपनी मर्जी की रूट मोड होगी और हमने अपनी मर्जी का स्पैनिंग ट्री बनाना है लेकिन उन्हीं वर्टिसेस और उन्हीं एजेस का इस्तेमाल करके. ठीक है, अब ऐसा काम हमने क्यों किया? बिकॉज हम मिनिमम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, मिनिमम स्पैनिंग निकालना चाहते हैं. अगर हम डिफरेंट वर्टेक्स निकालते हैं एज अ रूट, वी गेट इस में स्लाइड को मैं पढ़ रहा हूं, वी गेट अ डिफरेंट ट्री. हाउएवर दिस इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ वन और मोर रोटेशंस. अब रोटेशंस करेंगे तो आप डिफरेंट ट्रीज हासिल करते जाएंगे. ठीक है, इसकी एप्लीकेशन पे मैं डायरेक्ट आता हूं. कंसीडर द सप्लाइंग पावर टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स ऑन अ बोर्ड, अ नंबर ऑफ नोड्स विद इन अ बिल्डिंग. आप देखिए यार, ये बीच में अभी तक लोग एडिट करवाने पड़ रहे हैं मुझे. ये देखें जी, नेक्स्ट में आप देखें इसकी एप्लीकेशन. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम वाज बाय मैथमेटिशियन अटैकर बारुओ का. उसने जी डिजाइन किया था ओरोविया में 1926 में. और कंसीडर अटेम्प्टिंग टू फाइंड द बेस्ट मींस ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. आपने कनेक्ट करने हैं, आपके पास एक मैप आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप का मैंने सारा लिया हुआ. Minimize the number of bridges. Cost is dependent on distances. Cost depend नहीं करती distances से. आवाज नहीं आ रही आपकी. आप अभी जो आए हो ना, एक मिनट आने जरा. जी ये आपके सामने जी एक टाइम एग्जांपल दे रहे हैं, इसके बाद आप नीचे आइएगा जरा. और भाई पार्टिसिपेंट्स प्लीज अभी रेज ना हैंड ना करें, मैं क्लियर कर दूंगा ये बात को ना. अभी प्लीज एक दफा लेसन ले लें, मैं गाइड कर दूंगा. डोंट परी, अब करें एक दफा लेसन ले लें प्लीज. जी, अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री विल प्रोवाइड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब हमने उस इसी तरह की एग्जांपल करनी, इसको मैं आप देखें ना ग्राफ की शक्ल देता हूं मैं, वर्टेक्स एंड एजेस की शक्ल में. ये देखें, कंसीडर एन एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, एनी टू टर्मिनल्स कैन कनेक्ट विद एनी अदर. प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एरर्स इन ट्रांसमिशन इंक्रीज विद द ट्रांसमिशन लेंथ. इस तरह हम ट्रांसमिशन लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हमारा क्या होगा उसमें एरर आते जाएंगे. Can we find the cluster of terminals which can communicate safely? हम इसका cluster बनाने जा रहे हैं. सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो spanning tree है वो उसमें जब circle नहीं बन सकता, जब circle ना बने वो spanning tree बन जाती है. जी जी ये सच है? जी जी बिल्कुल, cycle नहीं होना चाहिए, spanning tree बन जाएगा. फिर उसके बाद अपने spanning tree में weighted होना चाहिए बहुत से कम values के ऊपर. तो अगर जी मेरी बात सुने, sometimes graph आपका weighted नहीं होता, जरूरी नहीं है कि weighted होगा, unweighted भी होता है, remember. ठीक है, मेरी बात सुने, जिस graph में weighted ना दियो ना edges के, तो ये एक universal rule है, उसको consider किया जाता है, उसका weight one लिया जाता है. क्या लिया जाता है? weight one. ठीक है, ये ध्यान रखना है प्लीज. जी ओके फाइन, देखें यही आ रहा है, देखिए हमारे पास
हमने इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री मालूम करना है, हम क्या करेंगे ये देखें, इसको टोटो में हमने क्या किया, रिमूव कनेक्शंस व्हिच आर टू लॉन्ग, डिसक्लटर क्लस्टर टर्मिनल्स इन स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स, सब नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। देखें ये ट्रीज बन गए हमारे पास, पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस वही थे ना, उन्हीं से मैं ड्रॉ किए ना मैंने ये सब नेटवर्क्स। जी सर, एग्री करते हैं? यस सर, ठीक है, ये इसका फायदा है। इसको हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए हमारे पास सेम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम जिसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। मैं आप फोकस करूंगा पहले आपका क्रूस्कल एल्गोरिथम पे, तो बहुत जरूरी है, ठीक है, उसकी तरफ आने लगा हूं मैं अब, ठीक है जी। अब मैं जो है ना उसकी तरफ आता हूं, तो मैं आपके जो स्क्रीन शेयर है अभी थोड़े सर के लिए ऑफ, उसको मैं दोबारा क्रूस्कल एल्गोरिथम को ओपन करके वो शेयर करता हूं, ठीक है सर जी। जी जनाब, जब तक आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ लें सर, ये हो एक स्लाइड तो होगी यहां पे, मतलब आप एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जी। हां मैं अब एल्गोरिथम एनालाइज करने जा रहा हूं क्रूस्कल वाला। जी नजर भाई, सर ये स्लाइड नंबर 18 में आपने क्लस्टर कैसे बनाए हैं? स्लाइड 18 में, अच्छा ये वही है, जरा एक इससे भी ऊपर स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ये देखना जरा, ये नजर आ गया जी सर, ठीक है। अब ये इसको मैंने इसको डॉटेड ले लिए, फिगर ले लिए मैंने जी, इसकी सूरत देखो ये ले लिया, ठीक है, नजर आया ये डॉटेड नजर आ रही है, डॉट्स आ रहे हैं, हां इनको मैंने वर्ड्स और एजेस कंसीडर कर लिया, इनको मैं एजेस बनाऊंगा इसके साथ, ये देखें ये एजेस लगा दिए मैंने साथ, ये देखिएगा जरा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब क्लस्टर बन गए, समझ में आ गया, ये देखें बन गए जी, मैनेजेबल क्लस्टर हो गए ना, ये समझ लिया। क्राइटेरिया क्या था मैनेजेबल क्लस्टर बनाने का? यार क्राइटेरिया ये था कि जिस तरह हम स्पैनिंग ट्री नहीं क्रिएट करते, जो हमारे ग्राफ में से हम देखो, हम ग्राफ में से वर्टेक्स और एजेस का सारा लेते हैं कहीं, जी जी सर, तो हमने देखो उसी उन्हीं में से उसी नेटवर्क में हम क्लस्टर बनाया ना, उसी पूरे में से सब नेटवर्क क्रिएट किए, मेरे पास तो पूरा था, क्या ख्याल है? ठीक, मैंने उसी में से तीन नेटवर्क क्रिएट किए, यूं समझ लो कि उसकी ना, एक्सक्यूज मी सर, सर आप रिपीट करेंगे पीछे से दोबारा? मैं दोबारा रिपीट करता हूं यार, ये देखो सर, रिपीट भी करें और काइंडली एक माइक बंद करवाएं सबके, और आपकी वो आवाज भी कम आ रही है, आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही। ये ले जी, अब म्यूट करने लगा हूं सारे, ले जी ठीक हो गया सर, काइंडली मुझे रहने दें क्योंकि मैं फिर हल्का-फुल्का सवाल करता रहूं। अच्छा जी, अब यार ये आप ना इसको आप जो है जी हमारा शेयर कितना फास्ट में नया शेयर कर इसको एक इसको मैं क्लोज करने लगा हूं, टायर ये सिर्फ मैं नियर अबाउट 40 हैं जी मेरे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 51 में से बाकी 10 गायब हो गए हैं। नहीं सर, सभी को इन्फॉर्म किया था, जो रिपीटर्स हैं उनकी कोई और क्लास चल रही थी तो उन्होंने लेकिन कहा था कि हम ज्वाइन कर लेंगे, आई डोंट नो कि क्यों नहीं ज्वाइन किया। ठीक हो गया, बोल दिया था ना आपने, आपने फर्ज पूरा कर लिया था अपना, चलें गुड हो गया जी सर, सभी को इन्फॉर्म किया था, सभी को इन्फॉर्म किया था, बहुत अच्छी बात, थैंक यू यार, थैंक यू सर, हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, चलें गुड गुड, लेकिन सारे नहीं ना आया अभी, क्लास खत्म हुई है जस्ट 2 मिनट पहले, तो चलेंगे सर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं वैसे। जी जनाब, ये आपके सामने मैंने क्रूस्कल एल्गोरिथम आ गया आपके सामने, इसको हमने एनालाइज करना है, ये करता क्या है पहले ये सुन लें जी, इट सॉर्ट्स द एजेस बाय वेट, पहली बात, एंड गोस थ्रू द एजेस फ्रॉम लीस्ट वेट टू द ग्रेटेस्ट वेट, ठीक हो गया, and adding these edges to an graph so long as the addition does not create a cycle, theek hai, ab iska halting point kab aayega, kab ye hum kaam karna shuru karega, yahan kab iski jamming position aayegi, jab aapki ye jo graph ki jo minus 1 edges hain have been added, in this case we have a minimum spanning tree hamare paas aa jayega, ye ek minute allow kar dunga, admit kar dunga all, theek hai,
जी प्रॉब्लम को अभी फिलहाल छोड़ें, अभी आप फिलहाल ये देखें क्रूस्काल एल्गोरिथम ने क्या करना है, एजेस को सॉर्ट करना है बाय देयर वेट। अब मैं आगे चलता हूं जी। मिनिमम इस एल्गोरिथम की तरफ मदद से हमने जो है और आइडिया लेना है। एग्जांपल A game of risk from Arthur Brothers, game of world domination. आवाज कम आ रही सर। जी जी अब आ रही है। The world is divided into 42 connected regions. Let's say हमारे पास 42 connected region है। कोई game है from Arthur Brothers. Example ये अब इस example में मेरे पास 42 है connected regions हैं, right? आपकी आवाज सर जी चली जाती है। चली जाती है दोबारा। ये हम जो नए जो आए हैं ना पर्सन, उनको माइक म्यूट कर दिया मैंने, उनको म्यूट कर देता हूं मैं। सर उनका इशू नहीं है सर, आपकी तरफ से जब आप बोलते हैं ना तो आपका दरमियान में आपका माइक बहुत ज्यादा स्लो चला जाता है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं लगा आ रही होती। सम टाइम आपकी आवाज बहुत अब ठीक आ रही है जी। अब ठीक आ रही है? यस सर। बेहतर है कुछ? यस सर जी। Regions are vertices and edges. आप इसको ना तो regions हैं, आप देखें इनको ना जितने भी हमारे पास connected है ना regions, इनको vertices and edges आप consider करें, ठीक है? इसके बाद ये इनका मैंने vertices और edges की शक्ल इनको दे दी है, जो उसमें जो तस्वीर थी उसको मैंने निकाल कर दिया, ठीक है? Graph is sufficient to describe the game. अभी हमने graph बना लिया उसका vertices और edges। यहाँ से मैंने इसी फिगर के ग्राफ देखें, वर्टिसेस और एजेस बना लिए, फिगर वही है। और से देख लें, दो तीन दफा मैं रिपीट कर रहा हूँ ये फिगर को, ठीक है जी। इसके बाद हियर इज अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम अबाउट सडनली इट्स लेस रिप्रेजेंटेड आई हैव प्लॉट द ग्राफ। देखें उसी ग्राफ को उसने अपनी शक्ल दे दी, अपनी तरफ से बना लिया उसने एजेस शक्ल दे दी। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, लेट्स से उस पूरे ग्राफ में से मैंने एशिया को निकालना है, एशिया को, एशिया के जो ग्राफ में मेरे पास वर्टिसेस और एजेस आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है? गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? अब मैंने इसकी नेमिंग कन्वेंशंस भी कर दी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है? जस्ट मैंने एशिया को फोकस करना है, ये दोबारा बार बार तमाम एजेस को वेट दे दिए, ठीक है? ए से बी को 20 दे दिया, ए से डी को 21, बी डी को 13, इस तरह बी सी को 7, बी ई को 5, सी ई को 1 या ई सी को 1 जो मर्जी कह लें, डी ई या ई डी 10, EF 22, 14, ये सारे जो हैं मैंने इनको वेट असाइन कर दिए, ठीक है? मेरा नहीं ख्याल किसमें नहीं बात है, दोबारा मैं रिपीट इसलिए करता हूँ। फर्स्ट वी सॉर्ट द एजेस बेस्ड ऑन देयर वेट। अब हमने क्या करना है, हमने एजेस को सॉर्ट आउट करना है, अलग से हमने कॉलम बना लेना है, ये टेबल बना लेना है, ठीक है? उसको हमने वेट के हिसाब से, अब मेरे पास जो सबसे कम वेटेज आ रहा है ना वो सी ई का है, दैट इज 1, उसको ब्रैकेट में मैंने कोड कर लिया है, ठीक है जी? एक साइड पे बाय देयर वेट, अगर आप गौर करें देखें बाय देयर वेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो एचए का नंबर आ रहा है, एचए का वेट है 2, ठीक है? इसके बाद जी आई वो 3 है, एफ जी 4, इस तरह वेट के हिसाब से उसको सारे को मैंने कॉलम में, जैसे आपको लीस्ट वेट के साथ है सर जी, लीस्ट वेट के साथ समय को कर रहे हैं एजेस को हमने कंबाइन करना है, पॉइंट ऑफ जाना है, यानी कि हमने एजेस को ऐड करना है ना, सी ई एच आई जी आई एफ जी, पॉइंट आउट करते जा रहा हूं मैं, ठीक है?
उनको मैं रेड मार्क करते जा रहा हूँ, उनको मैं कवर करते जा रहा हूँ. बी ई एच. अब देखो यहाँ पे दिस प्रोसीड्स टू स्पैनिंग सब ट्रीज इन वन. अरे अपनी मर्जी से वेजिटेटिव दिए थे आपने. हाँ हमने अपनी मर्जी से वेजिटेटिव दिए थे. अगर आपको गिवन हो तो आपने जो है लीस्ट वेट से स्टार्ट करना है. सबसे कम जिसका वेट है. जी सबसे कम जिसका वेट से स्टार्ट करना है. जी सर. जी जी सर. ठीक हो गया जी. अब आप ये देखो, मैं दोबारा ऊपर आ रहा हूं. ठीक है जी. ऐड करते करते कि जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूं, जरा गौर कीजिएगा. वी ट्राई एडिंग बीसी बट इट क्रिएट्स अ साइकिल. यस इट क्रिएट्स अ साइकिल. शाबाश. साइकिल क्रिएट हो गया सर. साइकिल क्रिएट हो गया. सो दैट्स व्हाई मूव टू द नेक्स्ट वन. हमने अब एच की तरफ आ गए. इसको चेक करते हैं, ये साइकिल है. नो ये भी नहीं, ये भी नहीं. वी ट्राई एडिंग जी एच बट इट क्रिएट्स अ साइकिल. नेक्स्ट आ जाएं जी. ये भी साइकिल. ठीक है ये भी साइकिल हो गया. नेक्स्ट आ जाए बी डी. ये भी साइकिल. बिल्कुल ये भी साइकिल हो रहा है, क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट आ जाए जी. वो ट्राइडिंग डी एफ क्रिएट अ साइकिल आल्सो. राइट. इसके बाद में पॉइंट भी किया हुआ, देखें साइकिल क्रिएट हो रहा है. इसके बाद फिर आप आ जाए ई जी क्रिएट अ साइकिल. By observation, we can still add edges J, K and A, B. बस ये इसको ऐड कर सकते हैं. और having added A, B, we now have 11 edges. अब हमारे पास ऐड किए मिला के सोडल कितनी बनती है जिनको हमने ऐड किया था. आपके साइकिल हो गए थे ना, कितने 11 edges हो गई हैं. ठीक है. तो we terminate the loop and we have our minimum spanning tree. ये हमारा ये वो चीजें होंगी, ये वो edges और vertices होंगे जिनकी मदद से हम नया ग्राफ ड्रॉ कर लें, जिनका हम इस्तेमाल कर लिए. हमारा मिनिमम जो है वेटेड स्पैनिंग ट्री होगा. पुरस्कार हमें ये कहता है, पुरस्कार हमें क्या कहता है कि ये हमारा. यार ये दोबारा फिर ये लोग कनेक्ट होके कुछ लोग एडमिट हो रहे हैं बार बार. अच्छा जी ताहिर यार अभी भी 43 हुए हैं सर. वो तो ठीक है, मैंने वैसे सभी को इन्फॉर्म किया, लेकिन सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है. जो आवाज ड्रॉप हो रही है ना, इसका सलूशन मेरे पास ये है कि जो चीज मैंने रिकॉर्ड की है ना, तो मैं अभी आपको फौरन इसके बाद सेंड कर दूंगा. तो आराम से बैठ के बेशक 6 दफा सुने, देखें 10 दफा देखें. सेविज मूव सर, ये काम ठीक है सर. ये सेविज मूव किया आपने. लेक्चर आपके पास पड़ा होगा और जिस तरह हम पढ़ के जाओ. जी सर लेट के देखेंगे हम. नहीं लेट आपने खड़े होकर देखना है. तू जो बोलता है. चलो ठीक है, मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है दोबारा फिर से जो है ना दोबारा से कोरोना वायरस आ गया. मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ सर. जी 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 सर, ये लादन जाफरी के कौन लगा. मैं म्यूट कर दिया भाई, मैंने अब म्यूट कर दिया. ये जो बाद में आए थे ना वो अनम्यूटेड थे. अच्छा जी इसके बाद टर्मिनेट कर देना आपने एंड मैनलाइज कर इंप्लीमेंटेशन. वी शुड स्टोर द एजेस एंड देयर वेट्स इन एरे. उनको स्टोर कर लें. वी शुड सॉर्ट द एजेस यूजिंग देयर. कोई आप कोई भी एल्गोरिथम उसमें लगा लें, क्विक सॉर्ट का लगा लें, बबल सॉर्ट लगा लें, डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट लगा लें. ठीक है. टू डिटरमाइन इफ अ साइकिल इज क्रिएटेड वी कुड परफॉर्म अ ट्रैवर्सल. अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो रन टाइम है, इसका ओ ऑफ वी है, ओ ऑफ जी कह लें इसको. ठीक है आप वी ना कहें, ओ ऑफ जी कह लें इसको. कंसिक्वेंटली द रन टाइम वुड बी ओ ऑफ ई. ठीक है नेचुरल लॉग आपका लिया हुआ है, इसमें एलन ऑफ ई है, फिर प्लस एलन ई ऑफ वर्टिसेस. ई फॉर एजेस एंड वी फॉर वर्टिसेस. अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने जो है ना लेट से जब आपने इसको एरे में स्टोर किया, इसको ट्रैवर्स करना आइटम का अप्लाई करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, याद रखिएगा इन केस ऑफ क्रुस्कल एल्गोरिदम इसका हर टाइम
ठीक है, जब आपने साइकिल डिटरमाइन करना है या कोई साइकिल क्रिएट हो रहा है आपके इस कंसिडरेशन में, आपके इस ग्राफ में, तो उसका जो आप रनिंग टाइम होगा ना वो हमेशा ओ वी होगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह लें नॉर्मली उस साइकिल के लिए, सिर्फ उस साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी आपकी काम की बात नहीं है क्योंकि उसमें रिकनेस हमने देख ली नहीं अभी फिलहाल। सर सर मैं अपनी स्लाइड आप दोबारा शो करवाएं जरा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल। जी सर, ये ई लॉग एन ई जो सा प्लस ई डॉट वी जो सा बेसिकली क्या क्या शो करवा रहा है? ये हम असल में नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वर्टेक्स है ना उसको कह रहे हैं। यस सर, ठीक है, नॉर्मली ये है की बात हो रही, ठीक है। अच्छा सर, ये एजेस को जो है हमने सॉर्ट करने के लिए कोई भी मतलब ये यूज कर सकते हैं टेक्निक जो कोई yes, सॉर्ट yes, yes, है या कुछ भी, कुछ भी हमने सारे प्रोग्राम बनाए हुए, हमने सेकंड सेमेस्टर में डाटा सर जी सर यू कैन रिमेंबर जी जी सर बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो बस ये कैरे क्रिएट हो जाएगा। और याद रखिएगा जो आइटम आपके पास आ रहे हैं ना एरे में और जो वैल्यूज आ रही है सिर्फ उन्हीं को सॉर्ट करना है बस, जिनको हमने टर्मिनेट किया था हमने जो हमारे साइकिल में आ रहे थे उनको नहीं लेना हमने। जी वी कुड आल्सो यूज द डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट, ठीक है। हम ज्वाइन किया ना सेट बनाए, अब डिसजॉइंट पे सिंगल सिंगल भी हम सिंगल टन कंसीडर करते हैं, कंसीडर एजेस इन द सेम कनेक्टेड सब ग्राफ एज फॉर्मिंग अ सेट। फॉर एग्जांपल जो आपको मिली थी सेट ले रहे हैं बी सी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यह रिमेंबर यस सर, आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। मैंने कहा जस्ट कंसीडर किया इन द सेम फैशन कनेक्टेड ग्राफ हमारे पास, हमारे पास सेट बन रहा है, ठीक है। हम डिसजॉइंट आप तारों की आवाज फुल आ रही है, मेरे पास इंटरनेट इशू होगा। अगर मेरे तरफ से इंटरनेट इशू हो ना तो हो सकता है हमारे जो इंटरनेट पे इशू नहीं है, माइक आपको साइड पे चला जाता लगता है, गुस्से में इधर उधर निकल जाता लगता है। खबर तूने फिर ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। जी consider edges in the same connected subgraph forming a set if the vertices of the next edge are in different sets. For example, aapke paas jo vertices hain jo se consider jo usse relevant jo aapki next edges hain wo aapke different set mein fall kar rahe hain. Hum let's say main kehta hu BCE ka ek set hai aur FGHI ka ek set hai, theek hai. To mere paas union banta hai BCE FGHI, all right, theek hai. Ab Instead we could use, अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे disjoint set की, मैं कह रहा था अगर हमें इसको union बना के या union बनाने के बाद मैं उनके cycle को sorry उसका estimation करके बाद में हर जो element है उसको मैं single turn consider करके उसका analysis करूँ तो इस सूरत में भी मेरे पास क्या क्रूशियल एल्गोरिथम काम करेगा या नहीं करेगा, इसको भी हमने देखते हैं। इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, although के मैं वहाँ तक भी काफ़ी है लेकिन मैं इसको बहुत वहाँ सारा थोड़ा सा समझ लें कि ये पार्ट है हमारा। Do not add an edge if both vertices are in the same set. याद रखिएगा हमने जो अगर यूनियन बनाते वक्त हमने do not add an edge if the both vertices are in the same set. दोनों सेम सेट में हैं तो हमने उसको ऐड नहीं करना। The disjoint set data structure has the following average run time. इसको नहीं आपने देखना, मैं फौरन आता हूँ जी आपका। हाँ जी, वी स्टार्ट विद 12 सिंगल टन्स,
राइट। अब पिछली फिगर जरा गौर कीजिएगा जो हमने पिछली फिगर जब हमने सेट लिए थे, जेन में आ रही है जी, ये सामने फिगर आ रही है आपके, आपके पास ये सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स थे, अगर हम सॉर्ट करें तो सिंगल जो एलिमेंट है सिंगल टन, वो कहाँ कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यही है पॉसिबल, इससे आगे तो नहीं है, ग्राफ के अंदर भी देख लें। ठीक जी, एच सी ई वी एड एच एच आई, देखते जाइएगा सिमिलरली वो एड जी आई एफ जी बी ई, रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं ऐड, अगर हमने यस 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 रिवर्स ऑर्डर में भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने बी ए सी मिनिमम से स्टार्ट किया, अगर हम मैक्सिमम से ये स्टार्ट करें फिर मैक्सिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रूशियल है क्रूशियल असल में एक हमारे पास मैथमेटिशियन है जिसने इस एनालिसिस पे काम किया था, वर्टेक्स और ग्राफ पे ज्यादातर उसने काम किया है, तो उसके नाम से ये एल्गोरिदम बना है क्रूशियल एल्गोरिदम, ठीक है, उसने अपने नाम से बना दिया। उसने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि हम स्मॉल से स्टार्ट करें या लार्जेस्ट स्टार्ट करें, नॉर्मली जो हमारे पास जो है ना, हम अपने रूल के मुताबिक, ये कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, लेकिन स्मॉल से स्टार्ट करें, उसका रीजन ये है क्योंकि हम निकाल ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहे, ठीक है। अब आप देखें सी ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, एच आई, ठीक है। अब आप देखें वी एड जी आई एफ जी और बी ई, अब आपके पास देखें सेट आपके पास कौन कौन से बन गए हैं, बी सी ई आपके पास लदा सेट हो गया, डी ए लदा हो गया, एफ जी एच आई लदा हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट फिर आए जे के और एल, अभी भी सिंगल मौजूद हैं आपके पास। मैं ऐड करता हूँ व्हाट इज ऑफ ई एच आर इन डिफरेंट सेट्स, अब आप देखें आपके भाई मैंने हाईलाइट भी किए हैं रेड के साथ, ई और एच आपके डिफरेंट सेट में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अब आप इसको नेक्स्ट में आप जाएं तो एडिंग एच ई एच क्रिएट्स अ लार्जर यूनियन, अगर मैं उसको भी लेके आता हूँ तो मेरे पास यूनियन बड़ा बन गया। एक अगला सेट देखें वो कहां तक चला गया, आई तक चला गया, ऐड करते करते आ गया ना आई तक। अब इसके बाद मेरे पास है फिर बी सी, बी सी लेकिन बी सी तो आपका साइकिल क्रिएट कर रहा है, फिर हम क्या करें, तो आप नीचे देखिएगा हमने इसको क्या किया, उस एडिशन में इसको यहाँ पे इस तरफ लेके आए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, अब आ गया सेट पे ये, अब खाली हमारे क्या बचा डे जी एच, डी एच क्या कर रहा है हमारे पास, यूनियन में तो मौजूद है हमारे सेट में, लेकिन अब फिर आगे आई के हमारे पास इन द सेम फैशन ये साइकिल में आ जाते हैं, ठीक है, इन द सेम फैशन अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास ये बी और डी ये सीनन में मौजूद है लेकिन ये साइकिल में आ रहे हैं, इग्नोर इट, फिर नेक्स्ट पे आप आ जाएं डी एफ, ये भी इन्होंने मौजूद है साइकिल में आ गए, इग्नोर इट, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास आखिरी जो बचा है दैट इज कॉल्ड द ए बी, जिसका साइकिल नहीं था, अब उसको भी इसके सेट के अंदर लेके आए, ऐड कर दें उसको अलग से, हमें सेट नहीं बनाना है उसको सिंगल टन, उस उन वैल्यूज को भी हम सेट के अंदर शामिल कर देते हैं, ठीक है। इंडिया अगर आप देखें तो हमारे पास यही पॉसिबल जो है जिनको मैंने सेट पूरा सिंगल टेन कर करके इनको ऐड करवाते 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 पूरा सेट अलग अलग टोटे थे उसको मैंने यूनियन बनाते 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 मेरे पूरे पास एक सेट बन गया जिसमें मेरे पास टोटल है ए बी सी डी एफ जी आई जे आई ए एल जे जो मेरे पास मौजूद वर्टिसेस और एजेस हैं जो उसके आप देख लें इनके अगेंस्ट जो वेटेड है वेट इन्हीं वेट का हमने इस्तेमाल करना है तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। आप बेशक कैलकुलेट करके देख लें यही आपके पास कम से कम वेट दे रहे होंगे इसके मुताबिक ऑल पॉसिबल में से, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हमने क्रूशियल एल्गोरिथम का फायदा क्यों हुआ, आपने ये क्यों लगाया, आप ये भी बात सुन लें कि आप सर सर हमें बता रहे थे कि हम ना स्पैनिंग ट्री जो है हम बता रहे थे हम अगर हम सारे ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बनाने बैठेंगे ना तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेट से हमारे पास जो है ना ग्राफ वो बहुत बड़ा है, लेट से कि हमारे पास 80 एजेस हैं और इसी से हमारे पास ना कंसिडर कर लें जी हमारे पास लेट से सपोज 79 वर्टेक्स हैं, तो अगर आप उसके स्पैनिंग ट्री बनाने बैठेंगे ना और मिनिमम स्पैनिंग तो बहुत सारे स्पैनिंग ट्री होंगे, फिर उसमें से आप करोगे
हो सकता है कि हर किसी का वेट दिया हो और वेट प्लस करते 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 आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑल्दो फाइंड आउट कर लोगे। इसीलिए कुरुस्काल ने बताया कि आप बजाय उसके हर दफा बार बार स्पैनिंग ट्री एक ही जो बारी में ना आप सबसे छोटा मिनिमम स्पैनिंग ट्री इस तरह निकाल सकते हो, मैंने आपको वे दे दिया है। सो दैट इज वाई हम जो है ना कुरुस्काल का इस्तेमाल कर रहे हैं इस एल्गोरिदम का, ये हमारे पास बेस्ट वे है मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का। क्योंकि हम क्यों ड्रॉ करें भाई बार बार, सारे सब ट्री ड्रॉ करते रहेंगे इसमें तो हमारे बहुत सारा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। अच्छा अब मेरी बात सुने भाई सारे स्टूडेंट्स यार, क्या लेते हैं जी, एक काम और आप लोगों ने कि मैं अभी ना सारे माइक सारों के मैं अनम्यूट करने लगा हूं, ये कुछ रह गए वो नहीं, बस सारों के मैं अनम्यूट करने लगा हूं। जो क्वेश्चन है ना दो क्वेश्चन मेरे से पूछ लें, 5-7 मिनट का सेशन रखते हैं ठीक है, फिर मैं उसको जो ना इस सेशन को टर्न ऑफ करूंगा, पहले आपको मैं अनम्यूट करता हूं जरा। ठीक है ना आप हेलो सर क्लियर है सर। है ना एक फायदा और भी है पता क्या, क्वेश्चन पूछने की जरूरत मैं भी ना पड़े, क्योंकि जब मैं इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को ना आप लोगों को मैं बल्कि जो ना अपना ग्रुप बनाओ टायर से को यार अपनी क्लास का मेरे सब्जेक्ट का, मैं वो आपको ना व्हाट्सएप करता हूँ ये अपनी रिकॉर्डिंग। ठीक है सर ये तो बेहतरीन है, प्लेयर में चला लीजिएगा, इसमें दो ऑप्शन है एक M3UP है और एक MP4 है। M3UP ग्रुप पहले ही बने हुए हैं आप उसमें वीडियो फेंक दें सर, ये गुफ्तगू नहीं करने दे रही है। हां ये टाइप से करके ग्रुप बना हमारा वो बना लेंगे आपसे चाहिए कमेंट दीजिए, चलो सेपरेट बन जाएगा वो, सीएफ से बात कर लेते हैं। ओके थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखना सारे ठीक है जी, सर अटेंडेंस मार्क कर लिया आपने? हां मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया ना उसका, मुझे पार्ट अभी लिया सर अभी लिया या पहले? अभी लिया, जब 45 जब हुए ना तब लिया मैंने। ठीक है सर अरे मुझे भी ऐड कर लेना, लाइट ऑफ हो गई थी मैं दोबारा। चलो कोई बात नहीं मेरे पास अब इस वक्त जो है ना आई थिंक मेरा खुद डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए पूछ रहा हूं सर, दोबारा स्क्रीनशॉट ले ले। 47 या 48 मेरे पास आ गए हैं, 2-3 रह गए हैं तो कोई बात नहीं ठीक है, उनको भी मार सर अब दोबारा ले लें। अल्लाह हाफिज सर। ओके ओके टेक केयर, मैं ओके सर अपना ख्याल रखना। ओके जी यार थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी स्टे होम एंड स्टे होम स्टे सेव लिव्स के अल्लाह हाफिज। हाय हाय जिंदा है, हाय हाय जिंदा। हेलो।